जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद कराची समेत सिंध के 20 अजला जो है उनको आफत ज़्यादा करार दे दिया गया है। उनमें कराची के 6 अजला जो है वो शामिल हैं, उसके साथ साथ जो है वो सिंध भर से 20 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जिनमें आफत ज़्यादा। गुज़िश्ता दिन जो है वो वज़ीर आला ने जो है मीटिंग के बाद उनको आफत ज़्यादा करार दे दिया। उनमें जो है 6 अजला कराची के शामिल हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, मलिर कराची, साउथ कराची, कोरंगी कराची और दीगर अजला शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिस इलाके जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए उनमें जो है वो DHA और साथ में सरजानी का इलाका था, तो वहाँ पे अभी भी लोगों के घरों में जो है वो पानी मौजूद है। 4 से 5 फुट जो है वो पानी आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो, अतराफ़ के घरों में 4 से 5 फुट पानी अभी भी मौजूद है। यहाँ पे कोई इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अलबत्त यहाँ पे जो है लोग बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजर हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फुट पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। ना ही यहाँ पे गैस की सहूलत मौजूद है, ना ही लाइट की जो है वो पोजीशन मौजूद है, और ना ही इनको लोगों के घरों में पीने का पानी तक नहीं है। लोगों के घर में खाने को राशन नहीं है। लोग बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजर हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी मेरे अगर अतराफ में मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वहाँ पे पानी की बुलंदी जो है वो 4 से 5 फुट है। अलबत्त हम आपको दिखा सकते हैं लेकिन लेके जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे पानी की बुलंदी की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आफत ज़्यादा करार दिए गए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है ये, जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। वक्तन बवक्तन हम आवाम को अपडेट कर रहे हैं, रोज़ न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अलबत्त यहाँ के हल्के के नुमाइंदगान, इसके साथ साथ वज़ीर बल्दियात, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और उसके साथ साथ उनकी जो टीम है वो अभी तक ताहाल नहीं पहुंची। गुज़िश्ता रात भी ये वज़ीर आला की जानिब से विज़िट किया गया था लेकिन वो रोडों का विज़िट करके यहाँ से वापस चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो यहाँ आना गवारा नहीं करते। इसके साथ साथ जो पानी की सतह है जो उसमें बातरतीज खुद ब खुद जो है वो कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पानी की निकासी के लिए इंतजाम नहीं किए गए। अलबत्त महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है। अगर बारिशें यहाँ पे आज और कल में होती हैं तो मामला ज़्यादा संगीन हो सकते हैं और यहाँ से जो है वो लोग नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद अभी भी यहाँ पे रिहाइश पजीर है और उनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास हल्के के नुमाइंदगान साथ साथ में वजीर मुशीर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ताहाल कोई नहीं पहुँचा और अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। लेकिन आपको मैं चारों तरफ के हमने मनाजिर दिखा है कि कहीं पे भी निकलने का रास्ता नहीं है। लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, लोग खाएँ तो क्या खाएँ, लोग पिए तो जो है वो क्या पिए। यहाँ पे पीने के लिए उनको साफ पानी तक मुयसर नहीं, खाने के लिए राशन ख़त्म हो चुका है, बच्चों के लिए दूध तक मुयसर नहीं। लोग बेयारो मददगार जो है वो किसी मसीहा के मुंतजर हैं। जी